हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज है बृहस्पतिवार और सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ पे पूजा कर चुकी हूँ और आज तो भगवान को ज़्यादा कुछ भोग नहीं लगाई, लेकिन जो मेन चीज़ होता है चना और मिठा वो मैं लगाती हूँ। कथा भी पढ़ ली हूँ, उसके बाद ये छोटे छोटे क्लिप्स राहुल जी ले लिए थे, देख सकते हैं। ये मतलब ठेकुआ बनाते टाइम मेरा और दीदी का, मैं और दीदी और बस यहाँ पे दीदी और मैं ठेकुआ बनाए, थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट मतलब राहुल जी कर लिए थे, तो वही मैं आप लोग को के साथ शेयर कर दी हूँ। ब्लॉग तो बहुत छोटा है बट मतलब जो भी है जैसा भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सानिया जो है वो पैरों में मेरे आलता लगा रही थी और आज का जो ब्लॉग है काफ़ी छोटा है, लाइक 7 या 8 मिनट का समथिंग ऐसे ही होगा। सो ब्लॉग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो चलिए अभी फिर बातें करते। तो आज है छठ पूजा का शाम वाला अर्घ और मेरे अंदर इतना सा भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं ये साड़ी पहनूं और साड़ी निकाल के यहीं पे मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे इसको पहनना है। और यहाँ पतिदेव को देखिए अभी तक नहाए भी नहीं है, अभी जा रहे हैं नहाने के लिए और हाथ में दर्द हो रहा है, इतना ज़रा ठेकुआ छाने है ना तो हाथ में दर्द हो रहा है। अभी जा रहे हैं, अभी साड़ी पहन के रेडी होती हूँ। ये साड़ी मैं पहन रही हूँ, देखिए ये ब्यूटीफुल सा साड़ी है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। साड़ी बहुत ही अच्छा है और मेरे टेलर ने इतना अच्छा ब्लाउज सिला है कि मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाइए कि कितना सुंदर डिज़ाइन सिला है, बहुत ही अच्छा सिला है टेलर ने ब्लाउज़। ये देखिए इस टाइप के फ्लावर्स बनाया है यहाँ पे, मैं इसको पहनूंगी फिर आपको डिज़ाइन ना ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल देखिए इस टाइप का है, फिर मेकअप करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज है छठ पूजा का साँच वाला अर्घ, तो बस वही हम लोग अभी बाहर जा रहे थे। हमारे यहाँ पे ना जैसे जो दूरा होता है ना घर के गेट के बाहर का एरिया, वहीं पर ना घाट बनाते हैं और वैसे ही पूजा करते हैं। तो चैती छठ में हम लोग, कार्तिक छठ में भी ऐसे ही होता है और चैती छठ में भी यही होता है। तो मैं और मुन्नी दीदी यहाँ पर बाहर जा रहे थे, बड़ी वाली दीदी है तो वो बड़ी वाली दीदी पहले से ही थी मम्मी के साथ है। और बहुत मज़ा आता है छठ पूजा में, वैसे भी हमारे बिहार का छठ पूजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सभी लोगों को पता ही होगा। छठ पूजा साल में दो बार होता है, एक चैती छठ होता है और एक कार्तिक छठ होता है। तो ये वाला चैती छठ हमारे यहाँ होता है, बहुत लोगों के यहाँ चैती छठ नहीं भी होता है और बहुत जने के पास होता भी है। तो कल जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत भी नहीं की थी। उसके बाद मैं आज से ही ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ और आगे क्या कैसे होगा मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। सो बस यहाँ पर दीदी अगरबत्ती दिखा रही थी और आप लोग भी इंजॉय कीजिए छठ पूजा का ब्लॉग। हाथी में दिया जला रही है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हाथी में। और यहाँ पे बाबू देखिए दादाजी को दांत काट रहा है, बहुत बदमाश हो गया है। ये देखिए दूधू नहीं पी रहा है, दूधू नहीं पी रहा है ये लड़का, दादाजी इसके दूधू दे रहे, दूधू नहीं पी रहा है। देखो देखो वो सब देख रहे हैं, चाय है, चाय है, पी लो दूधू।
और यहाँ पे ना जैसे कि जब घाट से घाट के पास से जब यहाँ पे डाला रखाता है ना, तो वहाँ पे ना शाम का दिया जलता है, तो बस वही शाम का दिया जला दी है मम्मी। और उसके बाद यहाँ पे अभी गीत होगा, हाथी बैठेगा। तो अभी तो चैती छठ में दो ही हाथी बैठता है, लेकिन कार्तिक के टाइम पर ना बहुत सारा हाथी रहता है, क्योंकि दीदी लोग का भी हाथी रहता है, हम लोग का भी रहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर बाबू को देख सकते, वो अपना घर ही दिखा रहा है। शिवम जो है मेरे बड़े वाले भांजे, वो बाबू को घर ही दिए थे, तो बहुत ज़्यादा खुश था घड़ी देख देख के, और हमेशा उसको प्रेस कर रहा था और कह रहा था मम्मी टाइम हो गया, मम्मी टाइम हो गया, ऐसे कर रहा था। और बस यहाँ पे यही सब करके ज़्यादा ब्लॉग को बड़ा की नहीं मैं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा की नहीं। और यहाँ पे अभी दिखाती हूँ मैं आपको हाथी कैसे जला रहे हैं, शिवम और बिब्बू जला रहे हैं यहाँ पे हाथी में दिया। तो बहुत लोग कंफ्यूज थे हाथी किसको बोलते हैं, तो देखिए इस तरीके से बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आशीर्वाद, अब हम लोग भी यहाँ पे ना थोड़ा सा धुआं करके, सॉरी धुआं नहीं, और बस यहाँ पे हम लोग धुआं जला लेंगे। और मैं भी इतनी कंफ्यूज हूँ कि बोलना कुछ बोल कुछ और रही हूँ। सो चलिए ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए, तब तक लिए बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। तो सभी लोग यहाँ पे धूप कर रहे हैं और फिर मैं भी कर लूँगी, पतिदेव भी कर चुके हैं। और ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बाय, टेक केयर, लव यू।